हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सी यू ई टी दिस इज योर सी यू ई टी मेंटो और जानवी मेरा विद यू और बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर सी यू ई टी के एग्जाम पैटर्न के बारे में सो सी यू ई टी एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में होने वाला है जिसके अंदर ज्यादा टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है सो वी हैव फोर मंथ्स लेफ्ट नाउ अब इस एग्जाम का आखिर पैटर्न क्या है अगर आप अभी से इस एग्जाम की प्रेपरेशन को करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स करना भी चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है सो लेट्स अंडरस्टैंड इन शॉर्ट कि क्या है इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहला जो सेक्शन है इस एग्जाम के अंदर वो होता है आपका लैंग्वेजेस का सेक्शन सेक्शन वन सेक्शन वन को दो फर्दर सेक्शन में बांटा गया है वन ए वन बी वन ए के अंदर आपके थर्टीन लैंग्वेजेस हैं वन बी के अंदर आपके वन बी के अंदर आपके हैं नाइनटीन लैंग्वेजेस टोटल आप लैंग्वेजेस में से दो मैक्सिमम लैंग्वेजेस को दे सकते हैं इन द सी यू टी एग्जाम लैंग्वेज सेक्शन फिर आपका जो सेकेंड सेक्शन होता है वो होता है बेटा आपके डोमेन सब्जेक्ट्स का जिसके अंदर आपके टोटल आते हैं ट्वेंटी सेवन डोमेन्स आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन डोमेन्स बेटा आप मैक्सिमम जो है छः डोमेन्स को चूज कर सकते हैं एंड उनका अलग अलग एग्जाम जो है सी के अंदर दे सकते हैं क्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर थ्री होता है आपका जेनरल टेस्ट का जेनरल फर्दर आपके थ्री डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट है जो कि है आपका क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज योर जनरल अवेयरनेस राइट सो यह है आपके बेटा थ्री डिफरेंट सेक्शन ऑफ सीटी एग्जामिनेशन अब बहुत सारे कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज के लिए कुछ कुछ कॉम्बिनेशन मांगा जाता है फ्रॉम द डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सो आप किस कोर्स को चूज करने वाले हैं उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक गिवन कॉम्बिनेशन को चूज करना होगा आउट ऑफ द गिवन थ्री सेक्शंस सो ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड सी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ये था बेटा आज आपको मैंने बता दिया है सी एग्जाम का पैटर्न है आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है कितना वेटेज किस सेक्शन का रहता है राइट सो फॉर मोर सच CUET रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ